नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास टेंथ का सब्जेक्ट है संस्कृत, बुक का नाम है पियूषम, द्वितीय भाग का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मंगलम। और बच्चों, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, संस्कृत का हमारा प्रथम पाठ है मंगलम। तो ये प्रथम पाठ है ना, किस बुक का है, क्योंकि हमारे क्लास टेंथ में तो दो बुक चलता है संस्कृत का, तो इस बुक का नाम है पियूषम द्वितीय भाग, है ना, पियूषम द्वितीय भाग। तो ये पियूषम द्वितीय भाग का प्रथम चैप्टर है ना, पियूषम, है ना, पियूषम द्वितीय भाग का ये प्रथम चैप्टर है, ठीक है, प्रथम पाठ है, जिसका नाम क्या है मंगलम, है ना, जिसका नाम क्या है मंगलम। आप लोग यहां देख सकते हैं लिखा हुआ मंगलम, और बगल में जो है इसको जो है हम लोग हिंदी में लिख दिए हैं उच्चारण के लिए, ताकि उच्चारण करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, मंगलम। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग यहां देख सकते हैं, है ना, मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण होता है, है ना, मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण होता है, ठीक है, मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण होता है, ध्यान रखना है आप लोग को, है ना, मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण होता है। और ये मंगलम जो है किस बुक का प्रथम पाठ है, तो पियूषम, है ना, पियूषम का ये प्रथम पाठ है ना, पियूषम द्वितीय भाग का ये प्रथम पाठ है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा, है ना, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि पियूषम का अर्थ बताओ, पियूषम का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पियूषम का अर्थ होता है अमृत, है ना, पियूषम का अर्थ क्या होता है, अमृत होता है, ध्यान रखिएगा, पियूषम का अर्थ अमृत होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पियूषम का अर्थ क्या होता है, अमृत होता है, है ना, ध्यान रखिएगा, पियूषम का अर्थ अमृत होता है। चलिए अब ये जो हमारा जो मंगलम चैप्टर है वो किससे लिया गया है, तो ये जो मंगलम जो है ये उपनिषद से लिया गया है, किससे लिया गया है, उपनिषद। तो अब बोलिएगा कि उपनिषद होता क्या है, उपनिषद कहते किसको है, तो ध्यान दीजिए, है ना, आप लोग रामायण में किसके बारे में पढ़ते हैं, राम के बारे में पढ़ते हैं, है ना, रामायण में राम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, विष्णु पुराण में विष्णु के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार उपनिषद में हम लोग आत्मा और परमात्मा के बारे में पढ़ते हैं, है ना, आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, सीधी भाषा में बोलें तो ब्रह्मा के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं उपनिषद में। तो देख लीजिए उपनिषद का परिभाषा भी लिख दिए हैं, है ना, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि वह पुस्तक, है ना, वह पुस्तक जिसमें आत्मा एवं परमात्मा का वर्णन किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं, है ना, उसे उपनिषद कहते हैं। वह पुस्तक जिसमें, है ना, वह पुस्तक जिसमें आत्मा एवं परमात्मा, है ना, आत्मा एवं परमात्मा का वर्णन किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वह पुस्तक जिसमें आत्मा एवं परमात्मा का वर्णन किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है मंगलम नपुंसक होता है ना, मंगलम क्या होता है, नपुंसक होता है, तो नपुंसक क्या है, याद कीजिए आप लोग हिंदी में पढ़े हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसी प्रकार से संस्कृत में तीन लिंग होता है, है ना, संस्कृत में तीन लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। तो मंगलम जो है क्या है, नपुंसक है ना, मंगलम क्या है, नपुंसक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रथमा, है ना, प्रथमा जिसमें ये विसर्ग लग जाता है ना, इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, जिसमें विसर्ग लग जाता है वो पुल्लिंग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, जिसमें भी विसर्ग लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो प्रथमा यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, है ना, प्रथमा यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें भी विसर्ग लगेगा वो पुल्लिंग होता है, तो यहाँ प्रथमा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद है मंगलम में, है ना, मंगलम में कुल पांच श्लोक है, है ना, याद रखिएगा, मंगलम में कुल कितना श्लोक होता है, पांच श्लोक। कोई पूछेगा कि मंगलम में कुल कितने श्लोक हैं, तो पांच श्लोक हैं, ठीक है, मंगलम में कुल पांच श्लोक है या होता है, बोल सकते हैं मंगलम में कुल पांच श्लोक होता है, ठीक है। तो बच्चों, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक आप लोग देख सकते हैं, है ना, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है,
हिरणमयन पात्रेन सतस्य पिहतम मुखम है ना, तत्वम पुष्णन पाविर्णो सत्य धर्माए दृष्टे है ना, सत्य धर्माए दृष्टे। देखे जो जो लंबा लंबा वर्ड है उसको हम लोग तोड़ के यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे देखिए हिरणमयन पात्रेन, ये तो ठीक है इजी है, इसको हम बोल सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सतस्य अपिहतम है ना, इसको और तोड़ेंगे सतस्य पिहतम को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सतस्य प्लस अपिहतम है ना, सतस्य प्लस अपिहतम ठीक है। और आएगा मुखम, फिर तत्वम इसको पढ़ेंगे क्या जी, पुष्णन पाविर्णु, देखिये पुष्णन इसको पुष्णन पाविर्णु को तोड़ेंगे दो भाग में, क्या हो जाएगा पुष्णन प्लस अपाविर्णु, इसको जोड़ के पढ़ेंगे, इसको जोड़ के पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पुष्णन पाविर्णु सत्य धर्माए दृष्टे है ना, सत्य धर्माए दृष्टे, सत्य धर्माए दृष्टे। देखिये फिर से पढ़िएगा, हिरणमयन पात्रेन सतस्य पिहतम है ना, सतस्य पिहतम है ना, सतस्य पिहतम, और बोलने के लिए नहीं आ रहा है जिसको आप लोग अलग अलग करके बोल सकते हैं ना, अलग अलग करके बोल सकते हैं, सतस्य पिहतम मुखम है ना, तत्वम पुष्णन पाविर्णु है ना, पुष्णन पाविर्णु सत्य धर्माए दृष्टे है ना, सत्य धर्माए दृष्टे ठीक है। फिर से मैं आप लोग को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ठीक है, ध्यान रखिएगा है ना, हिरणमयन पात्रेन सतस्य पिहतम, सतस्य पिहतम मुखम, तत्वम पुष्णन पाविर्णु सत्य धर्माए दृष्टे है ना, सत्य धर्माए दृष्टे ठीक है। देखिए हिरणमयन पात्रेन सतस्य पिहतम है ना, सतस्य पिहतम मुखम, तत्वम पुष्णन पाविर्णु है ना, तत्वम पुष्णन पाविर्णु सत्य धर्माए दृष्टे ठीक है। चलिए इसका अब हम लोग अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है। देखिये हिरणमयन है ना, हिरणमयन का अर्थ क्या होता है, देखिए ध्यान से, तो हिरणमयन का अर्थ होता है सोने के है ना, हिरणमयन का अर्थ क्या होता है सोने के है ना, हिरणमयन का अर्थ होता है सोने के ना, सोने के। पात्रेन, पात्रेन का अर्थ क्या होता है, देख लीजिए पात्रेन का अर्थ होता है पात्र से या आवरण से, पात्र से या आवरण से, पात्र मतलब बोल सकते हैं बर्तन है ना, पात्र मतलब क्या बोल सकते हैं बर्तन या कोई परत, आवरण का मतलब क्या होता है परत ठीक है, पात्र से ठीक है, पात्र से सतस्य पिहतम है ना, सतस्य पिहतम, इसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे क्या होगा सतस्य प्लस अपिहतम ना, अपिहतम। तो देखिए सतस्य का मतलब क्या होता है सत्य का, अपिहतम का मतलब क्या होता है ढका हुआ है ना, ढका हुआ। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, इसका पूरा अर्थ हो गया कि सोने के पात्र से है ना, सोने के पात्र से है ना, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है ना, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है ना। हिरणमयन मतलब क्या हुआ सोने के, पात्र मतलब क्या हुआ पात्र से मतलब बर्तन से, सतस्य अपिहतम, सतस्य का मतलब क्या हुआ सत्य का, अपिहतम मतलब क्या हुआ ढका हुआ ना, ढका हुआ मुख मतलब सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है ना, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है ठीक है। फिर से इसका अर्थ समझ लीजिए ना, फिर से इसका अर्थ समझ लीजिए, हिरणमयन, हिरणमयन क्या होता है, हिरणमयन का मतलब होता है, हिरणमयन का मतलब होता है क्या जी सोने के है ना, सोने के। पात्र मतलब क्या होता है पात्र से, पात्र मतलब बर्तन से, सोने के बर्तन से। सतस्य मतलब क्या होता है सत्य का है ना, सतस्य का मतलब क्या होता है सत्य का। और अपिहतम, अपिहतम का मतलब क्या होता है ढका हुआ है ना, ढका हुआ। और मुखम मतलब क्या होता है मुख, इसका मतलब क्या हो गया कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है ना, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है ना, सत्य का मुख ढका हुआ है। चलिए दूसरा है यहाँ पर क्या, तत्वम पुष्णन पाविर्णु है ना, तत्वम पुष्णन पाविर्णु है ना, तत्वम पुष्णन पाविर्णु। देखिए तत्वम है ना, तत्व मतलब क्या होता है ना, तत्वम का मतलब क्या होता है ना, तत्वम का मतलब क्या होता है ना, है। पुष्णन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा इसका पुष्णन भी बोल कहीं कहीं पढ़ा जाता है और कहेंगे पुष्णन भी पढ़ा जाता है ना, पुष्णन या पुष्णन दोनों उच्चारण किया जाता है ठीक है। तो पुष्णन, पुष्णन का मतलब क्या होता है सूर्य, सूर्य बोल सकते हैं या भगवान बोल सकते हैं है ना, सूर्य बोल सकते हैं या भगवान है ना, पुष्णन का मतलब होता है सूर्य या भगवान ना, सूर्य या भगवान ठीक है, सूर्य या भगवान होता है इसका अर्थ ठीक है। पुष्णन का मतलब क्या होता है सूर्य या भगवान
ठीक है, सूर्य भगवान आपाविर्नु मतलब होता हटा दे, है ना, हटा दे। सत्य धर्म आए मतलब सत्य और धर्म के लिए, है ना, सत्य और धर्म के लिए, सत्य धर्म आएगा सत्य और धर्म के लिए। दृष्ट है मतलब क्या, प्राप्ति के लिए या देखने के लिए, है ना, प्राप्ति के लिए या देखने के लिए। तो देख लीजिए, तत्वम का मतलब क्या होता है, ना, तत्वम का मतलब क्या होता है, और पुष्णन का मतलब क्या होता है, पुष्णन का मतलब होता है हे सूर्य, हे भगवान, पाविर्नु अपाविर्नु, है ना, अपाविर्नु मतलब क्या होता है, अपाविर्नु मतलब होता है हटा दे, है ना, हटा दे। सत्य धर्माय दृष्टे मतलब सत्य धर्माय मतलब क्या होता है, सत्य और धर्म के लिए, और दृष्टा मतलब देखने के लिए, मतलब इसका पूरा अर्थ हो गया, इसका पूरा अर्थ होता है, बोल रहा है कि हे सूर्य, हे भगवान, है ना, हे सूर्य या हे भगवान, है ना, हे सूर्य हे भगवान, है ना, सत्य और धर्म के लिए, सत्य और धर्म के लिए, सत्य और धर्म के लिए इसे हटा दें, है ना, सत्य और धर्म के लिए इसे हटा दें, है ना, सत्य और धर्म के लिए इसे हटा दें। चलिए, तो अब हम लोग एक साथ समझते हैं पूरा का अर्थ, है ना, पूरा का अर्थ हम लोग एक साथ समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, हिरण्मयन पात्रेन सतस्पिहतम मुखम, मतलब सोने के पात्र से सत का मुख ढका हुआ है, ना, सोने के पात्र से सत का मुख ढका हुआ है। क्या इसके बाद है, तत्वम पुष्णन पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये, हे सूर्य हे भगवान, है ना, हे सूर्य हे भगवान, सत्य और धर्म के लिए आप इसे हटा दें, है ना, अब इस परत को, इस बर्तन को हटा दें, ना, अब इस परत या इस बर्तन को हटा दें, ताकि हम लोग सत्य और धर्म का दर्शन कर सकें, सत्य और धर्म को देख सकें, है ना, सत्य और धर्म को सीख सकें। ठीक है, इसका पूरा अर्थ यही हो गया, इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, यही हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग के एग्जाम में बोलेगा इसका अर्थ बताने के लिए कि इसका अर्थ बताइए, है ना, इसका अर्थ बताइए कि इसका अर्थ होता क्या है, तो कैसे बताएंगे इसका अर्थ, सोचिए। अगर आप लोग के एग्जाम में बोलेगा इसका अर्थ बताने के लिए तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले बताएंगे कि ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग अपना जब किताब खोलिएगा तो प्रत्येक श्लोक के बगल में कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो जो प्रत्येक श्लोक श्लोक के बगल में जो कुछ लिखा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ रहता है उपनिषद का नाम, कि ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है। जैसे कि देखे, हिरण्मयन पात्रेन सतस्पिहतम मुखम तत्वम पुष्णन पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे, ये जो है इस वास्यो उपनिषद से लिया गया है, है ना, इस श्लोक के बगल में इस वास्यो लिखा हुआ होगा, है ना, आप लोग बुक खोल के देखिएगा या डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं, इस श्लोक के बगल में इस वास्यो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्लोक है वो इस वास्यो उपनिषद से लिया गया है। किस लिया गया है, उस इस वास्यो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो अगर इसका अर्थ बोलेगा बताने के लिए आप लोग के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इसका पूरा अर्थ बता दीजिएगा, बता करके चलाइएगा, इससे क्या होगा, नंबर कम उठेगा। अगर आपको अच्छी तरह से नंबर उठाना है तो आप लोग को इसको अच्छा तरह से लिखना होगा। पहले आपको ये बताना होगा कि ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है, है ना, ये जो श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है आपको ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, ना, इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, तो वैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को इस श्लोक का अर्थ पूछेगा, ना, इस श्लोक का अगर हम लोग से अर्थ पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिखे हुए हैं, इसी तरह से आप लोग को एग्जाम में लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, है ना, प्रस्तुत श्लोक इस वास्य उपनिषद में संकलित है, मतलब इस वास्य उपनिषद में ये शामिल है, तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, ना, मंगलम पाठ से लिया गया है, और इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, ना, और इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता, है ना, सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता, ना, सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख्य, ना, सत्य का मुख्य सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए
आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं, है ना, ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। जब भी है ना श्लोक आप लोग को एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो प्रस्तुत श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है ना। उसके बाद आपको बताना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। उसके बाद आपको अपने अपना विचार व्यक्त करना है ना। उसके बाद इसमें आपको अपना विचार व्यक्त करना है कि इस श्लोक में क्या कहा गया है, क्या समझाने का कोशिश किया गया है ना। उसके बाद इसमें अपना मन से आपको ये बताना है कि इस श्लोक में क्या समझाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद आपको इस श्लोक का अर्थ बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी श्लोक आ जाए एग्जाम में लिखने के लिए कि श्लोक का अर्थ बताएं, है ना। आप लोग को एग्जाम में श्लोक लिख दिया जाएगा और बोलेगा इसका अर्थ बताएं, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो है किस उपनिषद से लिया गया है, है ना। और उसके बाद इसका पाठ बताना है कि किस पाठ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद आपको बताना है इस श्लोक में है ना क्या समझाने का प्रयास किया गया है। ये आपको अपना मन से लिखना है कि इस श्लोक में क्या समझाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आपको इस श्लोक का अर्थ बताना है कि इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना, इस श्लोक का अर्थ क्या है, देख लीजिए लिखा हुआ है ना, प्रस्तुत श्लोक है ना, प्रस्तुत श्लोक इस वास्य उपनिषद में संकलित है। मतलब ये जो श्लोक है वो इस वास्य उपनिषद में शामिल है ना। तथा मंगलम, है ना, तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, है ना, मंगलम पाठ से लिया गया है। और इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य, है ना, विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख्य सोने के पात्र से ढका हुआ है, है ना, ढका हुआ है। इसलिए आप हे प्रभु, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो, इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं, है ना, ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। तो ये श्लोक लिख करके इसका नीचे में इसका अर्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये सब इसका अर्थ है ये भी लिख लीजिएगा, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको याद कर लीजिएगा, तो प्रत्येक श्लोक का आप लोग का जो है अर्थ पता चल जाएगा, कहीं भूलिएगा नहीं कि पढ़े ना श्लोक का अर्थ क्या होता है। क्या लिखा हुआ है ना, जैसे क्या लिखा गया है, हिरण्मयन पात्रेन सतस्य पिहतम मुखम, है ना, सतस्य पिहतम मुखम, है ना, तत्वम पुष्णन पाविर्णो सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्माय दृष्टे, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है आप लोग तीन चार बार जब पढ़िएगा तो खुद आप लोग को पढ़ने के लिए चला आएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।